सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल। और आज मैंने सोचा कि अभी मार्च से प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, तो उन सब के लिए जो कंप्यूटर साइंस में थोड़े वीक है या फिर जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको मैं बेसिक जो हमारे स्कूल के करिकुलम में जो प्रैक्टिकल्स चल रहे थे उन हिसाब से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि आई एम श्योर कि बाकी स्कूल्स में भी लगभग उन्हीं टाइप के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, और जो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स हैं उनके लिए भी बेटर ही है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर चेक अ नंबर वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। तो सबसे पहले थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। सो बेसिकली हम पैलिंड्रोम को एसोसिएट करते हैं एक स्ट्रिंग के साथ। अब मैं बताता हूँ पैलिंड्रोम एग्जैक्टली क्या होता है। सो पैलिंड्रोम एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है या फिर स्ट्रिंग है जिसमें मान लेते हैं ए बी सी डी। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो बन जाएगा ई डी सी बी ए। और अगर इफ ए बी सी डी ई इक्वल्स इक्वल्स ई डी सी बी ए देन इट इज नोन एज अ पैलिंड्रोम। तो हमें गिवन है कि हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी और हमको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके लिए पहले तो हम मैथमेटिकल अप्रोच इसके डिस्कस करेंगे, तो कि हम नंबर्स के साथ कैसे वैल्यूज़ करेंगे। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, और अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ 5 4 3 2 1 में, मतलब मैंने उसको रिवर्स कर दिया। अगर इफ 1 2 3 4 5 इक्वल्स इक्वल्स 5 4 3 2 1 तो हम बोलेंगे कि नंबर इज़ अ पैलिंड्रोम, राइट। तो अब ये तो था कि चलो हम स्ट्रिंग को तो एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर हमको कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच हम इस पे लगाएंगे। तो जैसे कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है, हमको जो पीछे से जो लास्ट की डिजिट है उसको उठानी है और उसको फ्रंट में लाना है, राइट। तो अगर हम सोचे कि लास्ट की डिजिट हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो अगर थोड़ा थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा यूजिंग सम काइंड ऑफ डिविजन, तो हम भी यही अप्रोच फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 को मॉड्यूलस 10 से डिवाइड किया, मतलब मॉड्यूलस किया 10 से, मतलब मैं 1 2 3 4 5 को 10 से डिवाइड करूंगा। और ये जो परसेंटेज साइन है इसको हम पाइथन में मॉड्यूलस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको 1 2 3 4 5 / 10 की रिमाइंडर फेच करके देगा। अब हमको यूनिट डिजिट मिल गई है, और हम इसको अभी क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में ऐड कर देंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। इसको सपोज मैं रिमाइंडर बोल देता हूँ, हमने रिमाइंडर निकाल लिया है, और मैं इस रिमाइंडर को रिजल्ट में ऐड कर दूंगा। और अब क्या हुआ, अब हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई, अब हमको सेकेंड लास्ट डिजिट चाहिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम 100 से डिवाइड करेंगे। एक अप्रोच ये कि हम नंबर को चेंज कर देंगे। तो नंबर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम नंबर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5, और जैसे कि नंबर इक्वल्स 1 2 3 4 5, और उसको फ्लोर डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये हमको लाके देगा वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है ना। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये हमको इंटीग्रल क्वोशेंट रिटर्न करके देता है। तो हम ऐसे बार बार एक लूप लगा के या वेरियस इटरेशन में हम पूरे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ हो गई अभी। तो अगर मैं, ये था हमारा लूप नंबर 1, तो जैसे कि मैं इसको फर्स्ट इटरेशन बोल देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको नीचे, अगर मैं सेकेंड इटरेशन में जाऊँ, तो हमारा रिमाइंडर होगा 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10। और अब यहाँ पे हमारी रिजल्ट की वैल्यू पहले सपोज कर लेते हैं 0 थी, और इधर हो गई 5। तो जब मैं 5 में 4 ऐड कर दूंगा, इधर आई वैल्यू 5 और इधर आई वैल्यू 4, तो अगर मैं 5 में 4 ऐड कर दूंगा तो 9 होगा। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 तो हमारे नंबर में था ही नहीं, तो 9 बियॉन्ड कंपेरिजन आ जाएगा। तो इधर हम एक और चेंज कर सकते हैं कि हम रिमाइंडर में क्या करेंगे, हम पहले रिजल्ट को, इसको शॉर्ट हैंड हटा के हम ऐसे कर सकते हैं, रिजल्ट को पहले जो इनिशियल रिजल्ट था उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिमाइंडर ऐड करो। इससे एग्जैक्टली क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। तो इससे एग्जैक्टली क्या होगा, तो जैसे कि पहले हमारी रिजल्ट की वैल्यू 0 थी, तो 0 इंटू 10 0 प्लस
प्लस रिमाइंडर, तो हमारे पास 5 आ गया। सिमिलरली जब 5 था तो 5 × 10 50 प्लस 4, तो जब 45 था तो वो हमारा रिजल्ट में 54 स्टोर हो गया। तो हम धीरे धीरे पीछे से स्ट्रिंग वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। सिमिलरली नंबर हो गया था 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 2 3। थर्ड इटरेशन हमारा नंबर ये हो गया इटरेशन नंबर 3, और हमारा जो नंबर था बन गया था 1 2 3। अब रिमाइंडर फेच होगी 3, रिजल्ट था हमारा 54, ठीक है ना, और नंबर चेंज हो जाएगा 12 में, और इटरेशन नंबर 4, राइट। तो इटरेशन नंबर 4 में भी, इटरेशन नंबर 4 यहाँ पे नंबर बचता है 12, उनको रिमाइंडर मिलेगी 2, रिजल्ट बन गया था 543, तो बन जाएगा 5 4 3 2, और ये था 12 से डिवीजन, तो आंसर बचेगा 1। एंड सेम इटरेशन नंबर 5, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है और रिमाइंडर आएगा 1, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया था 5 4 3 2, और नंबर बन गया था 1, सॉरी 1, और ये बचेगा 0। अब जैसे ही नंबर 0 हो जाता है तो हम अगर देखेंगे तो हमारे रिजल्ट की वैल्यू 5, नंबर के रिजल्ट रिवर्स हो जाएगी। सपोज मैं इधर वैल्यू लेता हूँ तो इधर रिजल्ट की वैल्यू है 5, इधर रिजल्ट की वैल्यू है 5 4, इधर रिजल्ट की वैल्यू है 5 4 3, इधर रिजल्ट की वैल्यू है 5 4 3 2, और इधर रिजल्ट की वैल्यू है 5 4 3 2 1। तो जैसे ही हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो 0 हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट नंबर है वो इस नंबर के बिल्कुल उल्टा हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई अगर ये बराबर आता है तो हम पैलिंड्रोम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लूप तो चला लेंगे पर कौन सा लूप चलाएंगे, वाइल और फॉर, क्योंकि ये अभी बड़ा सवाल है, क्योंकि आते दोनों ही होंगे आप लोगों को, पर एग्जैक्टली यूज़ कौन सा करें, तो मैं यूज़ केसेस बता देता। तो वाइल हम जनरली तभी यूज़ करते हैं व्हेन वी डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स द इटरेशन इज गोइंग टू अकर, इटरेशन। और सिमिलरली अगर मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स इटरेशन इज गोइंग टू अकर, राइट। तो सपोज एक यूज केस समझ लेते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रिंग होती तो हम उसका लेंथ डिटरमाइन कर सकते थे, तो उस केस पे हम फॉर लूप चला सकते हैं। पर जैसे कि नंबर है, हम नंबर का लेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई फंक्शन है नहीं हमारे पाइथन में कि हम नंबर को स्ट्रिंग पहले नंबर का लेंथ हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पहले नंबर को स्ट्रिंग में बदल लो फिर लेंथ निकाल लो, बट हम यहाँ पे मिनिमलिस्टिक अप्रोच देंगे, और तो इसलिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि नंबर का साइज कितना होने वाला है इवन इन द वेरिएबल फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम इधर से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इफ नेम इक्वल्स मेन, अब जिनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली पाइथन को डिनोट करता है कि ये ड्राइवर अभी यहाँ से कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। कि चाहे ऊपर कुछ भी हो आपको एग्जीक्यूट इस ब्लॉक को सबसे पहले करना है। अगर जैसे किसी ने C++ वगैरह में काम किया होगा तो उन्होंने देखा होगा कि वो होता है ना, हम करते हैं कि कुछ हो गया void main या फिर int main main और समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर रिटर्न 0, ये जो पैटर्न होता है C++ में, तो यही चीज़ पाइथन में कंपलसरी नहीं पर हम कर सकते हैं, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप अपना कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो इफ नेम इक्वल टू मेन से चालू करें,
बट स्टिल इट्स ऑप्शनल, डिपेंड्स अपॉन प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर, आपको इम्प्लीमेंट करना तो करिए वरना नहीं करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे इम्प्लीमेंटेशन में। तो सबसे पहले नंबर चूज कर लेते हैं, तो सपोज नंबर इक्वल्स इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और हमने नंबर एंटर कर दिया। और अब एक चीज़ याद रखिए, ये जो आप इनपुट के अंदर लिखते हैं, जो एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स कि इसको भाई क्या बोलते हैं, तो हम इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और ये एक्सेप्ट करता है एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब हम इस नंबर को डुप्लीकेट कर देंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैं, जैसे कि हम ये प्रोसेस में कर रहे हैं, तो हमारा नंबर बार बार चेंज हो रहा है, राइट? ये 0 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 12 हो गया, कभी 1 2 3 हो गया, कभी 1 2 3 4 हो गया। सबसे पहले 1 2 3 4 5 था, पर हमको और नंबर कंपेयर के लिए 1 2 3 4 5 चाहिए। पर अगर हम चेंज कर देंगे, हमारे पास नंबर का रिवर्स तो आ जाएगा, पर नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और हमको कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल नंबर भी चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर की वैल्यू, नंबर को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं और डुप्लीकेट पे चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो एन इक्वल टू नम है, ये नंबर को स्टोर नहीं कर रहा, नंबर वेरिएबल को स्टोर नहीं कर रहा, ये नंबर की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो मैं इधर कमेंट में लिख देता हूँ, एन स्टोर्स द वैल्यू ऑफ नंबर एंड नम इट्सेल्फ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि ये हो गया, अभी हम लूप चलाएंगे, और मैंने बता दिया कि हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं कि इटरेशन कितनी बार चलने वाले हैं, राइट? और जब हमको इटरेशन पता नहीं होते कितनी बार चलेंगे, तो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। और पर और वाइल लूप के लिए हमको कंडीशन चाहिए होती है, एक टर्मिनेटिंग कंडीशन चाहिए होती है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, टर्मिनेटिंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना? तो हमारे पास कंडीशन इधर आएगी, हम इधर देख लेते हैं। हमने जब 5 इटरेशंस किए, तो हमारा इटरेशन कब खत्म हुआ, जब नंबर 0 हो गया, मतलब जब तक नंबर 0 से बड़ा है हमको इटरेशन चलाना है, राइट? तो वाइल इन इज ग्रेटर देन 0, अब हम चेंजेस कर सकते हैं। और अभी हम वापस इटरेशन पे आ जाते हैं, तो हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल स्टोर किया था जिसकी वैल्यू 0 थी। अब इसको हम बाहर डिफाइन करेंगे, अंदर डिफाइन नहीं, क्यों नहीं करेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो रिजल्ट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये जो चीज़ है, ये अब ग्लोबल स्कोप में आ गई, और वाइल के अंदर जितने भी पैरामीटर, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वो उसके लोकल स्कोप में होंगे। तो अब इशू क्या आएगा, जब भी वाइल, अभी सपोज 1 2 3 4 5 हमने नंबर लिया है, तो ये 5 इटरेशन करेगा, तो 5 के 5 इटरेशन में अगर मैं रिजल्ट की वैल्यू अंदर ले लूँ, मैं लूप के अंदर रिजल्ट की वैल्यू को एक प्रीडिफाइंड ले लूँ, तो हर इटरेशन के बाद वो वैल्यू रीसेट हो जाएगी। सपोज मैं रिजल्ट की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो फर्स्ट इटरेशन में तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, पर जब सेकेंड इटरेशन, यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में आएगी, तब भी रिजल्ट की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो उस केस में हमको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमको रिजल्ट की वैल्यू बार बार अपडेट करनी है, हमको रीसेट नहीं करनी। तो चूँकि हमको रीसेट नहीं करनी वाली, इसलिए हम वाइल लूप के बाहर लेंगे एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो और रिमाइंडर को हम ले सकते हैं एज लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि रिमाइंडर बार बार अपडेट हो। अब ये रिमाइंडर इस वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, रिमाइंडर इस वैल्यू को स्टोर करेगा, ये जो नम वेरिएबल है, या फिर हम जो एन वेरिएबल लेंगे उसके परसेंटेज ऑफ 5। और इसको भी हम बाहर ग्लोबली ले चुके हैं, और ये भी अपडेट होगा, तो ये वाली वेरिएबल अपडेट होगी, ये वाली वेरिएबल अपडेट होगी, बट रिमाइंडर विल गेट रिफ्रेश्ड आफ्टर एवरी इटरेशन। तो अभी कर लेते हैं, तो रिमाइंडर इक्वल्स एन मॉड्यूलस 5, राइट? इधर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, फेचिंग द यूनिट डिजिट, राइट? हम कर क्या रहे हैं, हम एग्जैक्टली यूनिट डिजिट को फेच कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाला स्टेप, क्योंकि हमने रिमाइंडर निकाल लिया है, अब हमको चाहिए ये वाला स्टेप, इसमें हम रिजल्ट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इस केस में 5 + 4 9 हो जाएगा, रादर देन 54, हमको वो अवॉइड करना है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। तो अब क्या होगा, अपडेटिंग द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल नल नंबर,
तो हम बार बार इधर अपडेट कर रहे हैं रिवर्स ऑफ ओरिजिनल नंबर के, राइट। तो ये काफ़ी सही चीज़ थी, ये भी हमने कर दिया लगभग। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एन को अपडेट करेंगे, राइट। तो एन को अपडेट करते हैं, तो एन शॉर्ट हैंड ऑपरेशन का मैं इधर इस्तेमाल करूँगा, टेन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एन को 10 से डिवाइड कर दिया और एन की वैल्यू को उसको स्टोर कर दिया। तो ये एक्चुअली यही चीज़ है, बताता हूँ। मैंने जो अभी लिखा है ये है एन इक्वल्स एन फ्लोर डिवीजन बाय 10, मतलब हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं आफ्टर अपेंडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर वी रिमूव द यूनिट डिजिट। तो हम इधर कर, हम अब इस मूव की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो फर्स्ट इटरेशन में सपोज 5 आ गया, सेकेंड इटरेशन में भी रिमाइंडर 5 आ जाएगा, थर्ड इटरेशन में भी 5 आ जाएगा। तो हर इटरेशन में हमको एक ही वैल्यू मिलेगी और हम उसको पैलिंड्रोम के लिए कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म हुआ, क्योंकि इसी स्टेप पे हमारा एक टाइम पे एन इक्वल टू 0 हो जाएगा और तब ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अब लूप ख़त्म हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, तो हम एक रिजल्ट को प्रिंट भी कर देते हैं। वो प्रिंट एक बार रिजल्ट कर देते हैं। अब एक और काम के बाद बताता हूँ मैं, अब प्रिंट को वाइल लूप के बाहर डालना है कि अंदर डालना है, तो अब ये डिपेंड करता है। अगर आपको एक एक डिजिट प्रिंट करनी है या फिर रिजल्ट को हर इटरेशन के बाद देखना है, तो आप प्रिंट रिजल्ट कर सकते हो। और अगर आपको पूरा रिजल्ट का लूप के बाद जो फाइनल वैल्यू बनती है वो देखनी है, तो आपको लूप के बाहर रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं लूप को लूप के अंदर रख रहा हूँ, मतलब मेरे को हर स्टेप के बाद देखना है कि रिजल्ट की वैल्यू क्या बनती है। तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसको रन करते हैं। और जब मैं इसको रन करूँगा, वो जैसे कि एंटर नंबर का प्रॉम्प्ट आ गया, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, एंटर नंबर का प्रॉम्प्ट आ गया। सपोज हम डालते हैं 1 2 3 4 5, और तो देख सकते हैं सबसे पहले नंबर की वैल्यू थी 0। अब इधर कुछ इश्यूज हो गए शायद, ये 5 आना चाहिए था इधर। अच्छा, हमने इधर गलती कर दी, इधर 10 करना था। तो वापस इसको रीरन करते हैं, वापस जूम कर, इधर 5 नहीं, इधर हम 10 करना था, पर मैंने गलती से 5 लिख दिया था, क्योंकि 10 जब करेंगे तभी हमको यूनिट डिजिट ऑब्टेन होगी एज ए रिमाइंडर। और इसको करते हैं अभी 1 2 3 4 5। तो जैसे कि देख सकते हैं पहली बार रिजल्ट की वैल्यू थी 5, सेकेंड टाइम रिजल्ट की वैल्यू होगी 5 4, थर्ड टाइम आएगी 5 4 3, फोर्थ टाइम आएगी 5 4 3 2 1, और लास्ट में रिवर्स हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ को नहीं करता तो क्या होता, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता, सॉरी, अगर मैं ये जो 10 है इस चीज़ को अगर मैं हटा देता तो क्या होता, एक बार वो भी देख लेते हैं। मैं अगेन जूम कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखिए, तो जैसे कि मैंने 5, पहले 5 आ गया, सेकंड में 5 प्लस 4 इंस्टेड ऑफ 50 प्लस 4 हो गया तो 9 आ गया, फिर 3 आना चाहिए तो 5 4 3 होना चाहिए, 12 हो गया। तो यहाँ पे वो दिक्कत आ जाएगी, राइट। तो इसीलिए हमको हमारे, अब ये बेसिक प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है कि नंबर को हम कैसे प्लेस वैल्यू असाइन करते हैं, और ये सब आई थिंक 5वीं 6वीं में सीखते हैं ये सब चीज़ें, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। और प्रिंट का भी मैंने बता दिया कि अगर लूप के अंदर आ गया तो ऐसे बन जाएगा, और अगर मैं लूप के बाहर ले जाता हूँ, अब इम्प्लीमेंट करेंगे वो, सपोज 1 2 3 4 5 करेंगे, और तो देखो नंबर रिवर्स हो गया, क्यों, क्योंकि अब लूप के बाहर है, अब ये डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट प्रिंट करेगा जो लूप के बाहर बनता है, राइट। और ये ऐसे था। अब इसको करने के बदले हम करेंगे, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और बेटर रीडेबिलिटी, अब हम कंपेयर करेंगे। तो वी विल नाउ कंपेयर द ओरिजिनल नंबर विथ इट्स रिवर्स। अब कंपेयर करना काफ़ी सिंपल है, इफ़ नंबर इक्वल्स इक्वल्स रिजल्ट सिंपली प्रिंट नंबर इज अ पैलिंड्रोम
और अगर नहीं किया, नहीं किया तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो हम प्रिंट कर देंगे एल्स नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। और यही था हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग इस प्रोग्राम के लिए। मैं जूम आउट कर देता ताकि एक बार में दिख जाए सब चीज़ें। तो ये था बेसिक प्रोग्राम, ये हमने थोड़ी बहुत जो थियोरी डिस्कस की थी पैलिंड्रोम रिलेटेड, और ये था प्रोग्राम। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको फटाफट। तो मैं वापस इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, और सपोज़ मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5, राइट। तो जब मैं इसको 1 2 3 4 5 पर एंटर करूँगा तो नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि उल्टा बनेगा 5 4 3 2 1, तो 1 और 5 इक्वल है ही नहीं, तो इट नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई यूनिट डिजिट डालते हैं सपोज 6, तो 6 का उल्टा तो 6 ही होगा, तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। सिमिलरली अगर मैं सपोज डालता हूँ 11 का स्क्वायर यानी 121, 121, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो आएगा 121, तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। सिमिलरली अगर मैं कुछ और थोड़ा बड़ा नंबर डालता हूँ सपोज 999000999, अगर ये करेंगे तो इसका उल्टा भी यही आएगा, तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो ये था हमारा मैथमेटिकल अप्रोच, कमेंट कर लिख लेता हूँ। तो हमने अभी तक किया, हमने किया अभी मैथमेटिकल अप्रोच। अब मैं बताऊंगा एक जुगाड़ कि अगर तुम भूल गए तो कैसे करना है। तो इन केस तुम एग्जाम में बैठे हो और तुम भूल गए कि भाई कैसे करना है, मैं भूल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लगाएंगे जुगाड़। तो ये है जुगाड़ मेथड, जुगाड़ अप्रोच। तो इसमें हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, मैंने बताया था हम पैलिंड्रोम को एसोसिएट करते हैं स्ट्रिंग से। तो अगर मैं नंबर को ही स्ट्रिंग ले लूँ, और स्ट्रिंग से हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मैं ले लेता हूँ हम इक्वल्स इनपुट एंटर योर नंबर, राइट। तो हमने प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर योर नंबर, और अब हमने स्ट्रिंग्स में सीखा था कि हम स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग देयर इंडेक्स वैल्यूज, राइट। तो अगर मैं करता हूँ, अब अगर किसी को नहीं पता कि ये इनपुट वैल्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मैं बता देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ। ये टाइप फंक्शन हमको डेटा टाइप बता देता है किसी भी वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू हमने स्टोर की है। तो सपोज़ अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, सपोज़ मैंने इसको रन किया और मैंने डाला 1 2 3 4 5, राइट। अब मैंने एंटर हिट किया, तो देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया, और ये बोलती है कि ये स्ट्रिंग है, str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। तो अब ये स्ट्रिंग है। अब अगर तुम लोगों ने सीखा होगा 11th में, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो मैंने पाइथन को बोला कि अच्छा तुम मेरे को नंबर प्रिंट करके दो, और नंबर को और उसी स्ट्रिंग को इस तरीके से प्रिंट करो कि फाइनल और इनिशियल तुम डिफॉल्ट रख लो, बस इंक्रीमेंट होना चाहिए माइनस में। तो पाइथन बोलेगा ठीक है, मतलब तुम चाहते हो कि मैं नंबर को रिवर्स कर दूँ या स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूँ। क्यों? क्योंकि फाइनल तुमने बताया नहीं है, इनिशियल तुमने बताया नहीं है, फाइनल तुमने बताया नहीं है, तुमने बस इंक्रीमेंट बता दिया। इंक्रीमेंट वो भी -1 है, मतलब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। हमने बोला ठीक है रिवर्स कर दो, तो हमने प्रिंट किया। मैं जूम कर दे 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, तो नंबर रिवर्स हो गया। अब करना क्या है, सिंपली इन चीज़ों को हटाओ, ये ब्रैकेट्स को हटाओ, और एक एक कंडीशन लगाओ, कॉमा हटाओ, इक्वालिटी ऑपरेटर लगाओ, और ब्लॉक में डाल दो प्रिंट नंबर इज अ पैलिंड्रोम एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, प्रिटी सिंपल। और ये था हमारा जुगाड़ अप्रोच। अब इसको भी एक बार चला के देख लेते हैं। सपोज मैंने नंबर डाला था 121, तो जब मैं 121 डालूंगा तो मेरे को पैलिंड्रोम रिटर्न होना चाहिए, तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। सिमिलरली अगर मैं सपोज डालता हूँ नंबर 69, तो अगर मैं 69 डालता हूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा 96, तो एंटर करेंगे नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि अब ये स्ट्रिंग देख रहा है, अब उल्टा कर दिया। हाँ, पर अगर तुम्हारा इनविजिलेटर स्ट्रिक्ट है
और उसने बोला अच्छा तुम्हारे प्रोग्राम के हिसाब से अगर मैं मैडम डालता हूँ या डालती हूँ, तभी तो बोल रहा नंबर इज़ अ पेंडेंट रूम, जबकि ये नंबर है ही नहीं, तो तुम्हारा प्रोग्राम तो गलत हो गया। तब बोल देना कोई नहीं मैम, हम इधर जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ में थोड़ा और जुगाड़ लगा देंगे। अब जुगाड़ क्या है, हमने जो इनपुट लिया है वो हमारे पास स्ट्रिंग है, तो हम इसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ। बताता हूँ, सपोज मैं वापस लिखता हूँ मैडम, जो है तो पैलिंड्रोम राइट, या फिर अब ये नंबर तो लेगा नहीं, अब सॉरी ये स्ट्रिंग ऐसे कोई कैरेक्टर तो लेगा नहीं, ये नंबर ही लेगा। सपोज मैं 121 डालता हूँ तो भी एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर को हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी इंटीजर हो गया। अब पाइथन को पता है कि भाई ये इंटीजर है, अब उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमने इसको स्ट्रिंग की तरह यूज़ किया है। तो हम वापस करेंगे नंबर इक्वल्स स्ट्रिंग str और नंबर। अब क्या हो गया, अब जो नंबर हमने इनपुट लिया था इंटीजर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। अब जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो 121 नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रल वैल्यू का भी चेक लग गया और तुम काम भी कर गए। तो ये अब देखो ये चीज़ कितने लाइन की कोड है, लगभग 37, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइन की कोड है, वर्सेस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 वर्सेस 7। अब देख लो, और यहाँ पे तुमको सोचना पड़ता है, पर मैं स्टिल प्रेफर करूँगा कि तुम लोग जुगाड़ अप्रोच को ना लेके इसकी प्रैक्टिस करो, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम डेटा टाइप को ज़्यादा चेंज करना प्रेफर नहीं करते। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, मैंने आपको जो एक्चुअल तो ये था हमारा प्रोग्राम, और मैंने आपको जुगाड़ अप्रोच भी बता दिया और जो मैथमेटिकल अप्रोच भी बता दिया, बट मैं स्टिल पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप लोग मैथमेटिकल अप्रोच को की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्यों? क्योंकि इसमें डेटा टाइप का इतना ज़्यादा कन्वर्जन है नहीं, यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटीजर ले रहे हैं, फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एक्सेस। ऑल दो ईजी है, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ, बस ये जुगाड़ है, और जुगाड़ हर बार अप्रिशिएबल नहीं होता, बिकॉज वी नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड मेथड। और ये था स्टैंडर्ड मेथड पर्टिकुलरली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने का, सिमिलरली जैसे कि आप इसी अप्रोच को। अब ये चीज़ें वॉज नॉट रॉकेट साइंस, दिस वॉज समथिंग टू बी थॉट ऑफ। अब ये सोचना था कि मेरे को नंबर के डिजिट्स को कैसे एक्सेस करना है, सिमिलरली इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के कंपेरिजन में, और बाकी काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें आपको सिंगल डिजिट को एक्सेस करना होता है। तो जब डिजिट को एक्सेस करना होता है तब ये तरीका, ये जो बाई 10 और फिर नंबर अपडेशन। अब ये जो थी, ये जो रिजल्ट वैल्यू थी, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे, बट अगर डिजिट को डिजिट चाहिए आपको तो ये चीज़ें नेसेसरी है, ये जो फाइल लूप और ऐसे। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, और यही था प्रोग्राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।